हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो है फिजिकल एजुकेशन में टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, यानी परीक्षण, मापन एंड मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस अवश्य आते हैं। पूरा वीडियो देखेगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका बीपीएससी टीजीटी 2023 का एग्जाम जल्द से जल्द होने वाला है, ईएमआरएस का भी डेट आ गया है, दिसंबर में दोनों एग्जाम है। एंड केवल यह ईएमआरएस एंड बीपीएससी के लिए ही नहीं है, अदरवाइज ऑल फिजिकल कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक हैं। एंड 50 से 60 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ इसी समय, एक महीने के अंदर। एंड बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस प्रैक्टिस दिए गए हैं। एंड थ्योरी सेशन पढ़ना चाहते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी टॉपिक के थ्योरी सेशन डिटेल में दिए गए हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, डेली बेसिस पे दोनों टाइम वीडियो अपलोड हो रहा है और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है? व्हाट इज मेजर्ड विद ए गोनियोमीटर? गोनियोमीटर से लचीलापन को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? लचीलापन को, यानी कि फ्लेक्सीबिलिटी को मेजर किया जाता है। एंड यह मांसपेशी की कार्य क्षमता और लचीलापन को मापता है और जोड़ के पास दो अंगों के बीच का कोण को यह भी यह मापता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशी के तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को क्या कहा जाता है? द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट विद फोर्स इन द फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम इज कॉल्ड। तो ये दोस्तों विस्फोटक शक्ति होता है, यानी कि शक्ति यानी पावर आपका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, ब्रेडी वॉलीबॉल परीक्षण के घटक हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट? दोस्तों, यदि आप टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन के सभी थ्योरी सेशन देखना चाहते हैं तो टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन की प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर आपको सभी टॉपिक टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन के मिल जाएंगे थ्योरी सेशन, जहाँ पे आप थ्योरी देख करके कन्फर्मेशन कर सकते हैं। तो ब्रेडी वॉलीबॉल परीक्षण के घटक हैं, तो ब्रेडी वॉलीबॉल जो है वो बॉली करना को मापता है, बॉली करने की स्किल को मापता है। जी एफ ब्रेडी ने 1945 में इसको बनाया था। जैसे कि वॉलीबॉल परीक्षण में एक सूत्र मैंने बनाया है, आरबी 40-45 महिला पुरुष, यानी आर से रसल लैंज वॉलीबॉल टेस्ट जो 1940 में महिलाओं के लिए बनाया गया, बी से ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट 1945 में पुरुषों के लिए बनाया गया, एंड जो 1940 में रसल लैंज वॉलीबॉल टेस्ट बनाया गया वह बॉली करना एंड सर्विस करना दोनों को मापता है, जबकि ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट वॉली बॉली करना स्किल को मापता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायट टेस्ट संबंधित है। डायट टेस्ट इज रिलेटेड टू, तो दोस्तों डायट टेस्ट जो है वह टेनिस खेल से रिलेटेड है, याद रखिएगा। डायट टेस्ट, ब्रोवर मिलर टेस्ट एंड हिविट्स टेस्ट एंड एवरी रिचर्डसन टेस्ट, ये आपका डायट टेनिस से रिलेटेड टेस्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की न्यूनतम शक्ति को मापने के लिए तैयार किया गया परीक्षण है। तो ये डिजाइंड टू मेजर द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ एंड ऑब्जेक्ट इच, तो वो होता है आपका क्रॉस वेबर टेस्ट। क्या है? क्रॉस वेबर टेस्ट, जिसकी स्थापना 1954 में हंस क्रेस रूप एंड हर्सलैंड ने किया था। इसमें से 6 टेस्ट आइटम है जो मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ को मापता है, यानी कि मांसपेशी की न्यूनतम क्षमता को मापता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा परीक्षण कार्डियोवैस्कुलर क्षमता के लिए है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज फॉर कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी? तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, जिसको 1943 में ल्यूसिन ब्रोहा ने बनाया था हार्वर्ड कार्डियोवैस्कुलर क्षमता को मापने के लिए। एंड यहाँ पे जो है क्राउस वेबर टेस्ट न्यूनतम मांसपेशी क्षमता को मापता है, JCR टेस्ट सामान्य गामक क्षमता को मापता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षण, मापन या मूल्यांकन का परस्पर संबंध है निम्नलिखित ढंग से है। तो दोस्तों यहाँ पे
द रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन इज ए फॉलोज, तो यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, जो परीक्षण और मापन है ये मूल्यांकन का हिस्सा है। पहले परीक्षण होगा, फिर मापन होगा, फिर लास्ट में मूल्यांकन होगा, यानी कि परीक्षण और मापन यानी टेस्ट मेजरमेंट दोनों किसका हिस्सा है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड मेजरमेंट आर पार्ट ऑफ इवेल्यूशन, इवेल्यूशन यानी कि मूल्यांकन का हिस्सा है। एंड है नेक्स्ट है, कौन सी आयु का पता आमतौर पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से लगाया जाता है, विच एज इज यूजली डिटेक्टेड बाई साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो इसे मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु का पता लगाया जाता है। एंड दोस्तों क्रोनोलॉजी कालक्रमिक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज में दिन महीनों वर्षों में आयु की गणना की जाती है। एंड शरीर रचना आयु में हड्डियों एंड दांतों की गणना से ज्ञात किया जाता है। दैनिक दैनिक नहीं यहाँ पे दैहिक होगा, दैहिक यानी कि फिजियोलॉजिकल एज में जो हार्मोन्स इम्बेलेंस होते हैं, चेंजेज होते हैं लड़के लड़कियों में, उससे ज्ञात किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण का मानदंड नहीं है, निम्न में से कौन एक उत्तम परीक्षण का मानदंड नहीं है, तो यहाँ पे कौन राइट हो जाएगा दोस्तों। उत्तम परीक्षण के लिए आपको रिलेबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड नॉर्म्स स्टैंडर्ड होते हैं। क्या होते हैं, एक मतलब मानक गुड टेस्ट के लिए, गुड परीक्षण के लिए जो तीन चीजें होती हैं, साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी यानी कि वैज्ञानिक प्रमाणिकता, प्रशासनिक व्यवहारिकता एंड शैक्षिक प्रयोग, जिसमें से जो साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी होता है वैज्ञानिक प्रमाणिकता, उसमें रिलेबिलिटी यानी विश्वसनीयता यानी वैलिडिटी, दूसरा वैलिडिटी यानी कि वैधता, तीसरा ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता, और पांच चौथा है नॉर्म्स एंड पांचवा स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विषय निष्ठा एंड विश्वसनीयता वैधता हो जाएगा, बट आपका व्यक्ति निष्ठा यहाँ पे मानदंड अच्छा नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस बीवर परीक्षण के द्वारा किसका मापन किया जाता है, इसके द्वारा न्यूनतम मांसपेशी शक्ति यानी कि मिनिमम मस्क्यूलर स्ट्रेंथ का मापन किया जाता है। याद रखिएगा 1954 में बनाया गया था, इसके अंतर्गत 6 टेस्ट आइटम होते हैं, ये भी याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड संबंधित है, तो यह दोस्तों लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफर्ड युवा फिटनेस परीक्षण मापने के लिए होता है, तो ऑफर्ड इज यूथ फिटनेस टेस्ट टू मेजर, तो ऑफर्ड युवा फिटनेस टेस्ट क्या मापने के लिए होता है, यह मोटर फिटनेस को मापता है, या किसको मापता है, मोटर फिटनेस को मापता है। ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट जो है 1958 में पोल हंसीकर के द्वारा बनाया गया था, उस समय इसमें 7 टेस्ट आइटम रखा गया था, लेकिन बाद में 1976 में इसको चेंज किया गया और पोल हंसीकर और गाय जीरिफ ने इसमें 6 टेस्ट आइटम रखे, जिसमें से 6 टेस्ट आइटम है पुल अप फॉर बॉयज, फ्लैश आर्म हैंड फॉर गर्ल्स, दूसरा जो किसको मापता है, आर्म एंड शोल्डर मस्कुलर स्ट्रेंथ इंडोरेंस को मेजर करता है, दूसरा है स्ट्रेट नी सीटअप जो एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेंथ इंडोरेंस को मेजर करता है, तीसरा है शटल रन जो एजिलिटी को मेजर करता है 10x4 यार्ड का, चौथा है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो लेग यानी पैर का एक्सप्लोसिव पावर विस्फोटक शक्ति को मापता है, एंड पांचवा है 50 यार्ड डैश जो स्पीड को मेजर करता है, छठा है 600 यार्ड रन वॉक या 1 मील रन वॉक 10 से 12 एज के लिए, 1.5 मील रन वॉक एंड 9 मिनट रन वॉक, 12 मिनट रन वॉक, ये आपका कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस को मेजर करने के लिए बनाया गया था, एंड जिसमें 6 आइटम है। एंड उसके बाद 1980 में ऑफर्ड ने हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस टेस्ट बनाया था, जिसमें 5 टेस्ट आइटम थे, जिसमें से 1 मील रन वॉक और 9 मिनट रन वॉक और 12 मिनट रन वॉक जो कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस को मेजर करता है। दूसरा था सीट एंड रीच टेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लो बैक ऑफ एंड हेमस्ट्रिंग मसल्स को मेजर करता है। जो तीसरा है सीट बेंड नी सीट अप जिसमें एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेंथ इंडोरेंस को मेजर करता है। चौथा है स्किन फोल्ड टेस्ट और पांचवा है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट निर्मित किया गया था, तो किसने बनाया था इसको, लिवसिन ब्रोहा ने 1943 में
कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परीक्षण जो प्रतिक्रिया समय को मापता है, द टेस्ट दैट मेजर रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम या प्रतिक्रिया समय को मापता है, इसमें से आपका हो जाएगा स्टिक ड्रॉप टेस्ट। क्या हो जाएगा? स्टिक ड्रॉप टेस्ट। और क्या है? मेडिसिन बाल थ्रो जो है विस्फोटक शक्ति को मापता है, टीकी टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है, बर्फी स्क्वायर थ्रस्ट चपलता को मापता है। ऐसा भी आपको आने वाले प्रश्न है इसलिए बताया जा रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पकड़ शक्ति यानी ग्रिप स्ट्रेंथ इज मेजर्ड, यानी कि पकड़ शक्ति को कौन मापता है? तो मैनियोमीटर से पकड़ शक्ति यानी कि राइट एंड लेफ्ट हाथों की पकड़ की ताकत को मापा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मिनट दौड़ या चाल कूपर टेस्ट की शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन करता है। तो यह 12 मिनट रन वॉक कूपर टेस्ट इवेल्यूट्स फिजिकल एबिलिटी, तो किसको मापता है? यह सहन शक्ति यानी कि इंड्योरेंस को मेजर करने के लिए कूपर ने बनाया था। सहन शक्ति यानी कि इंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए किसने बनाया था? कूपर ने बनाया था। कब बनाया था इसको, ये भी याद रखिएगा। 12 मिनट रन वॉक को कूपर ने 1970 में बनाया था का सर्कुलेटरी रिस्पिरेटरी इंड्योरेंस को मेजर करने के लिए। उसी के बाद इन्होंने एक और टेस्ट बनाया 1982 में, कूपर ने 12 मिनट स्विमिंग साइकिलिंग एंड जॉगिंग बनाया सब मैक्सिमल एरोबिक क्षमता को मापने के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। नेक्स्ट दोस्तों, नई तरह की शिक्षा व्यवस्था यथा मुक्त शिक्षा पत्राचार शिक्षा आदि का औचित्य निम्न में से किस कारण से है? तो यहाँ भी आपका राइट हो जाएगा, शैक्षिक अवसरों को समानता बढ़ाने के लिए। यहाँ सामान्य नहीं होगा, शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए, समानता, ठीक है, शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मापन में आरंभिक बिंदु शून्य होता है? इन विच मेजरमेंट द स्टार्टिंग पॉइंट इज जीरो। तो किस मापन में होता है? तो निरपेक्ष मापन में होता है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स में होता है। निरपेक्ष मापन यानी एब्सोल्यूट मेजरमेंट में आरंभिक बिंदु शून्य होता है। अन्य मापों की तुलना में सीधे और स्वतंत्र रूप से किया गया एक माप, उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की ऊंचाई का एक पूर्ण माप एक निश्चित मूल्य माप प्राप्त करेगा, जिसका अर्थपूर्ण होने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के सापेक्ष मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, साइबेक्स मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज द साइबेक्स मशीन बेस्ड? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आइसोमेट्रिक इक्विडी स्टैंड एंड आइसोकाइनेटिक दिया हुआ है। तो मशीन शब्द का प्रयोग होगा, अब पानी वाले खेलों का प्रयोग होगा, तो आप जान लीजिएगा वो कौन सा होगा, आइसोकाइनेटिक। क्या होगा? आइसोकाइनेटिक के अंतर्गत आएगा। आइसो मतलब सेम, काइनेटिक मतलब गति, सेम गति, स्थिर गति, एक समान गति। इस मशीनों द्वारा किया जाता है, पानी वाले खेलों में किया जाता है ज्यादातर, जैसे कि तैराकी एंड रोइंग आदि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड कदम परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, यानी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट यूज्ड, तो क्या मापने के लिए? हृदय की मजबूती मापने के लिए, यानी कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी छात्र ने क्लास बैडमिंटन लैडर टूर्नामेंट जीता लेकिन बैडमिंटन कौशल परीक्षण की बैटरी पर उसके प्राप्तांक अच्छे नहीं थे, तो परीक्षा में किसका अभाव है? तो दोस्तों, परीक्षा में उसमें वैधता का अभाव है। वैधता मतलब कि जिस लिए वो स्किल टेस्ट बनाया गया है वह उसी को मापे, ठीक है, तब माना जाएगा कि यह वैध है, तब माना जाएगा कि यह वैध है। तो यहाँ पे वैधता की अभाव का पता चलता है, ठीक है, यहाँ पे वैधता की अभाव का पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JCR परीक्षण के शटल दौड़ परीक्षण में लेन की चौड़ाई कितनी होती है? तो JCR परीक्षण जो है 1947 में बनाया गया था, जे से जंप यानी कि वर्टिकल जंप, सी से चिन अप एंड आर से रन यानी शटल रन, तीन टेस्ट आइटम होते हैं JCR
प्रतिशत में जो सामान्य गामक क्षमता को मेजर करता है। इसमें जो शटल रन होता है, इसकी लेन की चौड़ाई जो होती है 6 फुट होती है। कितनी? 6 फुट होती है। नेक्स्ट दोस्तों, नेटिव न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी मापने के लिए तैयार किया गया परीक्षण है। तो ट्रेनिंग डिजाइन टू मेजर नेटिव न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी इज, तो दोस्तों यह बनाया गया था मेथनी जॉनसन परीक्षण। क्या है? मेथनी जॉनसन परीक्षण। नेटिव न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी मापने के लिए तैयार किया गया परीक्षण मेथनी जॉनसन परीक्षण कहलाता है। 1920 के दशक के दौरान यह मोटर कार्य करने के लिए, क्या करने के लिए? मोटर कार्य करने के लिए क्षमता की परिकल्पना थी, इसलिए इसे मोटर क्षमता परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। यह परीक्षण बुद्धि की तरह एक अंतर्निहित विशेषता पर आधारित है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सीमा तक किसी मापन में माप किया जाने वाला कार्य निष्पादन शामिल है, उसे किस मद की संज्ञा दी जाती है? तो उसे दिया जाता है तार्किक वैधता की सीमा। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षण का उद्देश्य मुख्य रूप से होता है, एक परीक्षण, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टेस्ट इज मैनली, तो दोस्तों एक परीक्षण का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होता है? तो एक परीक्षण का उद्देश्य मुख्य रूप से होता है परीक्षण के प्रशासन और स्कोरिंग के लिए दिशा निर्देश की स्पष्टता, क्लियर गाइडेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड स्कोरिंग द टेस्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब छात्र घुमावदार दौड़ कर रहे होते हैं तो उनके शिक्षक का लक्ष्य क्या जानना होता है कि वो कितने क्या हैं? घुमावदार कर रहे हैं, अपने चाल बदल रहे हैं, दिशा बदल रहे हैं, तो जान लीजिए वो क्या है, एजिलिटी का जांच किया जा रहा है, चपल, कितने चपल हैं उसका पता लगाया जा रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन में द फ्रेंच शॉर्ट सर्विस परीक्षण सही सर्विस करने की किस क्षमता को मापता है? तो यह सर्विस करने की निजी क्षमता की लो क्षमता को मापता है। याद रखिएगा, बैडमिंटन टेस्ट में आपका हो जाएगा फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट, लोकार्ट एमसीफेशन टेस्ट, मिलर वाल वाली टेस्ट, ये तीनों परीक्षण आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा घटक परीक्षण की वस्तुनिष्ठ को प्रभावित नहीं करता है? तो दोस्तों, विच कंपोनेंट डज नॉट इफेक्ट द ऑब्जेक्टिवनेस ऑफ द टेस्ट, तो जो वस्तुनिष्ठता होती है परीक्षण की, उसको प्रभावित कौन नहीं करता है? तो निर्णय की कसौटी ये प्रभावित नहीं करेगा, प्रभावित करता है, ठीक है, निष्पादित करने वाले का क्रम एंड मापने की प्रक्रिया का परिवेक्षण, ये सभी प्रभावित करता है, बट परीक्षण की अवधि नहीं प्रभावित करता, क्योंकि किसी भी समय आप परीक्षण करेंगे परिणाम उसका आना चाहिए। यानी कि शिक्षा की अवधि परीक्षा की वस्तुनिष्ठता को प्रभावित नहीं करता, स्कोरर के विश्वास और पूर्वाग्रह स्कोरिंग या शैली को प्रभावित करते हैं, स्कोरिंग प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं जो एक परीक्षण की निष्पक्षता को प्रभावित करता है, परीक्षणों में अस्पष्ट दिशाएं और एक परीक्षण स्कोर करने के बारे में ध्वनि मानदंड की अनुपलब्धता भी स्कोरिंग को प्रभावित करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, JCR परीक्षण मापता है, JCR व्हाट डज द टेस्ट मेजर, तो दोस्तों JCR परीक्षण सामान्य गामक क्षमता यानी कि जनरल मोटर एबिलिटी को मापता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के परीक्षण के लिए मानक बनाते समय लड़कियों एवं लड़कों में अंतर देखना आवश्यक नहीं है? फॉर विच टाइप ऑफ टेस्ट इज नॉट नेसेसरी टू सी द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज विच मेकिंग स्टैंडर्ड्स, तो कौशल परीक्षण में तो हम देखेंगे कि लड़का लड़की में अंतर देखा जाता है शारीरिक बनावट और बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, तंदुरुस्ती परीक्षण में भी देखेंगे, एथलीट परीक्षण में भी देखेंगे, बट बुद्धि परीक्षण में लड़के लड़की की जांच करना, यहाँ पे अंतर करना आवश्यक नहीं होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति द्वारा दिए गए कार्यों की इकाइयों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो कार्यों की व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की इकाइयों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है एर्गोमीटर, क्या कहा जाता है? एर्गोमीटर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेस्ट
टेस्ट जिसमें स्कूली बच्चों को पास पास रखी हुई बाधाओं को पार करते हुए दौड़ना है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, पास पास रखी बाधाओं को पार करना है। तो पास पास रखी बाधाओं को पार करना है तो इसमें आपको क्या देखा जा रहा है? तो इसमें उसके एजिलिटी को जांच किया जाना है। किसको? एजिलिटी यानी चपलता को जांच किया जाता है क्योंकि गति और दिशा इसमें बदल रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलअप और हाथ लटकाने का परीक्षण, यानी पुलअप बॉयज के लिए, हाथ लटकाने यानी फ्लेक्स आर्म हैंग लड़कियों के लिए। तंदुरुस्ती परीक्षण ऑफर्ड में क्या मापने के लिए किया गया है? तो पुलअप एंड हाथ लटकाने का परीक्षण, ये दोनों में क्या हुआ है? हमारे हाथ और कंधे की मजबूती को मापा जाता है, ठीक है। आर्म एंड शोल्डर स्ट्रेंथ एंडोरेंस को मेजर किया जाता है। आर्म एंड शोल्डर स्ट्रेंथ को यहाँ पे मेजर किया जाएगा पुलअप और फ्लेक्स आर्म हैंग में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? तो सिटअप में किसका मेजर किया जाता है? एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को, यानी कि पेट की मांसपेशियों के स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को मेजर किया जाता है। फ्लेक्स आर्म हैंग में हमारे कंधे और बांह के मांसपेशियों की स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे मांसपेशियों को मापने के लिए नहीं किया जाता है, कौन है इसमें? तो यहाँ पे आपको देखना है तो 12 मिनट दौड़ एवं चलना परीक्षण का उपयोग मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापने के लिए नहीं किया जाता। 12 मिनट नहीं दोस्तों, 12 मीटर है, ठीक है, ठीक है। 12 मिनट तो आपको किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में 12 मीटर था, ठीक। 12 मिनट तो आपको मांसपेशियों की सहन क्षमता माप ही रहा है, दूर तक चलना भी माप रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे 12 मीटर जब रहेगा, 12 मिनट रहेगा तो मापेगा 12 मीटर, ठीक है। 12 मीटर यहाँ पे ऑप्शन में था, मिनट लिखा गया है, इसलिए कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा क्योंकि 12 मिनट रहेगा तो जाहिर सी बात है 2 मिनट से ज़्यादा की क्रिया सहनशीलता को मेजर करता है। तो यहाँ 12 मीटर है तो 12 मीटर आपको जाने में 1 सेकेंड लगेगा, तो इसमें कोई मांसपेशियों की सहन शक्ति को नहीं माप रहा है, तो ये होगा, इसलिए कन्फ्यूजन मत रहिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए एंड डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।